हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर सेल स्टार्ट हो चुकी है और अमेजन दोस्तों कल होने वाली है। दोस्तों, आप अपने लिए कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो सेल से, तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें जिससे आप अपने लिए एक ऐसी वॉच खरीद सको जो आपके लिए परफेक्ट हो। आपके पैसे वेस्ट रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको कौन सी वॉच खरीदनी चाहिए और कौन सी वॉच आपको नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपको किस तरह की वॉच खरीदनी चाहिए और किस तरह दोस्तों ऐसी वॉच हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी ऐसी ब्रांड हैं जिनकी स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिलती हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर, लेकिन दोस्तों आपको किस तरह की वॉच खरीदनी है जी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको वॉच खरीदने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उसी कंपनी वॉच खरीदनी चाहिए जिस कंपनी का सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में हो। आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनियाँ हैं जिनकी हमें दोस्तों स्मार्ट वॉच देखने को मिलती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आती है जब उन वॉचों की खराबी आ जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी दोस्तों स्मार्ट वॉच होती हैं उनके सर्विस सेंटर हमारे क्षेत्र में नहीं होते और जब उनमें कोई दिक्कत आती है तो हमें कस्टमर पर कॉल करना पड़ता है या फिर जहाँ से हमने खरीदी है वहाँ के कस्टमर केयर से हमें बात करनी पड़ती है। दोस्तों, सर्विस कराने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि अमेजफिट कंपनी की जो वॉच होती हैं, अमेजफिट की, फिटबिट की, दोस्तों काफ़ी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनकी वॉच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके सर्विस सेंटर दोस्तों आपको क्षेत्र में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों के सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में एक या दो होते हैं, तो इनकी सर्विस कराते टाइम हमें काफ़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो तो आपको उसी कंपनी खरीदनी चाहिए जिस कंपनी का सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में हो। अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप सैमसंग ही कह सकते हो या फिर आप रियलमी कह सकते हो या फिर दोस्तों आपको ऐसी वॉच खरीदनी है जैसा सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में भले ही ना हो लेकिन आपके आसपास हो, जहाँ दोस्तों आप इजीली जाकर अपनी वॉच को सर्विस करा सको। आपने देखा होगा कि जो अमेजफिट है, जो फिटबिट है दोस्तों, जो कंपनियाँ हैं इनकी वॉच तो अच्छी होती हैं जो हमें अच्छे रेट में मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों जब भी इनमें कोई कमी आती है तो कस्टमर केयर दोस्तों हमसे ठीक से बात नहीं करते और ना ही हमें इसकी सर्विस अच्छी मिलती है। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छी वॉच खरीदना चाहते हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको उसी कंपनी की वॉच खरीदनी है जिसका सर्विस सेंटर आपके क्षेत्र में हो या फिर आपके आसपास की सिटी में हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो स्मार्ट वॉच होती हैं इन्हें हम खरीद तो लेते हैं लेकिन जब भी इनमें कोई दिक्कत आती है तो ये सिर्फ सर्विस सेंटर के अंदर ठीक होती हैं, आप इन्हें बाहर किसी शॉप पर ठीक नहीं करा सकते। जैसे हम दोस्तों अपना मोबाइल कहीं भी सही करा लेते हैं, उस तरीके से आप इन वॉचों को कहीं भी सही नहीं करा पाओगे। इनकी सर्विस होती है दोस्तों सिर्फ सर्विस सेंटर के अंदर ही होती है, क्योंकि दोस्तों इनके जो पार्ट होते हैं वो हमें सिर्फ सर्विस सेंटर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगर आप जैसे दोस्तों हम अपने मोबाइल को कहीं भी सही करा लेते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे मोबाइल में कोई दिक्कत आती है तो हम उसे कहीं भी सही करा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जिस स्मार्ट वॉच होती हैं इनको दोस्तों सिर्फ हम सर्विस सेंटर के अंदर ही सही करवा सकते हैं, बाकी आप कहीं भी सही नहीं करवा सकते। दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्ट वॉच खरीदना चाहो तो आपको उसी कंपनी की खरीदनी चाहिए जिसका सर्विस सेंटर आपके आसपास हो या फिर आपके आसपास की सिटी में हो, जिससे आप उसकी सर्विस आसानी से करवा सको। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको वॉच किस टाइप की लेनी चाहिए और किस कंपनी की लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।